दिखाओ 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 गिर रहा है गिर रहा है हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल के छो मजामा सब लोग हैं ना मजामा और जो मजामा में है वो पहन ले पजामा। तो आज है सैटरडे और मैं एक बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ। बहुत दिनों से पेंडिंग था ये काम और वो है ये, तो मैं ये निकाल रही हूँ राजा से। मैंने बोला यार निकाल दूँ तो मुझे परमिशन लेनी पड़ी राजा से। राजा मैं निकाल दूँ किस काम का, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना लगे हुए। अब मैं इसे निकाल रही हूँ राजा की परमिशन। राजा कह रहे थे ये कहीं से फिचकेगा, हवा निकाल देना। मैंने बोला पता नहीं कहाँ से फिचकेगा, मेरे को देखना पड़ेगा ये फिचकेगा कहाँ। नहीं पता हवा कहाँ से लगती है, तो अभी इसे निकाल दिया जाए। निकलती है आई थिंक ये है एरिया हवा निकलने का। अब मेरे को पता नहीं कैसे निकलेगी यार, कैसे निकलेगी। आपको पता है घर में डस्ट बहुत आती है। ये देखिए हर दो तीन दिन के अंदर यहाँ पे बहुत भयानक सी डस्ट आ जाती है। और पता नहीं लाइट कम हुई है, कुछ लगा क्या आप लोगों को, या फिर ये हट गया ना तो एकदम से एकदम ब्राइटनेस सी चली गई है। तो ना मैं सोच रही हूँ कि मैं वैक्यूम कर देती हूँ। पीवीसी पे ना बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, तो मैं जल्दी से वैक्यूम क्लीनर लेके आती हूँ। चेयर पे चढ़ के मैंने ये पूरा एरिया ये और सब कुछ अच्छे से क्लीन कर दिया, इवन कर्टन तक क्लीन कर दिया। तो इस रूम को साफ करने के लिए आपको एक घंटा चाहिए। इस रूम की डस्टिंग जो है ना वो एकदम कॉर्नर से लेके हर जगह तक ढंग से होनी चाहिए, तभी ये रूम लाइट चलाने पे अच्छा लगता है। अगर आप डस्टिंग नहीं करेंगे और रूम ऐसा बनवा लेंगे ना तो रूम बहुत बेकार लगेगा।
तो डस्टिंग हो गई है। तो ये वाला काम मेरे को लगा था संडे को राजा के साथ करूंगी, फिर मेरे को लगा यार टाइम यूटिलाइज कर लेना चाहिए क्योंकि मेरी हाइट नहीं है इतनी, पर मैंने चेयर जो है वो रखी और उससे ऊपर ऊपर के जो ये थे ये भी साफ कर दिए, टीवी भी साफ कर दिया। टीवी के लिए मैंने पेपर यूज़ किया है मिरर और टीवी, आई थिंक सबको पता होगा, इवन आपकी जो सेंटर टेबल रहती है वो पेपर से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है क्योंकि जो डस्ट के कपड़े रहते हैं ना उनमें डस्ट भी रहती है और हम लोग के यहाँ पेट्स भी हैं, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम कपड़ों पे जो हमारे बाहर वाले हैं वो हम लोग उस अलमारी में रखते हैं, इसलिए वो वाले जो कपड़े हैं वो वाले में से बाल नहीं रहते, बाकी सारे कपड़ों में बाल रहते। तो अगर मैं कभी किसी डस्टर के कपड़े से करती हूँ ना टीवी क्लीन तो उसमें बाल आ जाते हैं, बट अभी फिलहाल एकदम क्लियर है। तो चलिए यहाँ का काम भी पूरा निपट गया है, मेरा रूम क्लीन हो गया एकदम, तो अब मैं कोशिश करती हूँ इससे हवा निकालने की, देखते हैं। हाउ टू रिमूव एयर फ्रॉम अल्फाबेट बलून्स, आई थिंक अल्फाबेट बलून, क्या कर रहा है स्ट्रॉ, आई डोंट हैव स्ट्रॉ, इसने स्ट्रॉ ली है और जहां से हवा भरी है वहां पे स्ट्रॉ डाल रहा है, तो ये स्ट्रॉ से निकाल रहा है, ऑब्वियसली यहाँ पर स्ट्रॉ नहीं है, खींच नहीं रहा है वैसे, सिर्फ उसे प्रेस कर रहा है ऐसा बेट्स को, एंड देन जो एयर है वो बाई स्ट्रॉ पास हो रही है, ना हो पाएगा हमसे, ना हो पाएगा और राजा से भी ना हो पाएगा, वो समझ में आ गया। मैंने इसमें ना क्या बोलते हैं नेल कटर डाला, या निकल ले, ओह माय गॉड मुझे स्ट्रॉ मिली। एक्चुअली पहले मैं ना अपने बाल कर्ल करती थी स्ट्रॉ से, लेट्स कि स्ट्रॉ से होता है नहीं होता है। हो गया अब सारे बल, अब जो सारे अल्फाबेट्स है वो पिचकाते हैं। हाँ अरे वो प्याज खाने पर देंगे, आटा ले रहा हूँ, और बताओ क्या लेना है। और क्या बोला था मैंने, तो आटा ही ले रहा हूँ, सॉरी और बताओ ना, कुछ लेना है ब्रेड ले लो, ब्रेड ब्रेड और बोलो बस यार, और कुछ आज। तो स्ट्रॉ वाला मेथड काम कर रहा है, अगर किसी को निकालना हो एयर, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, गिर रहा है यार, अलग दिख रहे हैं यार वो, एक मिनट दांत बड़े दिखाओ, बड़े दिख रहे हैं आपके दांत बहुत, ऐसे मैं पान चबा रही हूँ, ऐसे मैं ना मर, अरे पांच तो दिखाओ, तो ये करो, ये नीचे का दिख ही नहीं रहा मुझे कितने बड़े हैं, नीचे थोड़ी दिखते हैं, किसी नीचे में नहीं आते फेस चेंज हो गया है उसके काम, नए नए लग रहा है सर, सेट हो जाएंगे ना, नहीं देखने लगेंगे तो फिर आदत हो जाएगी। तो मैं अभी पोहा बना रही हूँ। एक्चुअली मेरा क्या हुआ, राजा आज मूंगफली लेके आए, घर में मूंगफली नहीं थी, और अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि मैं बहुत मूंगफली यूज़ करती थी खाने में, तो जो मूंगफली है ना ये मान के चलिए बहुत दिन हो गए, आई थिंक 20-25 दिन हो गए होंगे ये ख़त्म थी, मतलब तो एकदम ख़त्म हो गई थी। राजा आज लेके आया, उन्हें बोला कि मुझे पोहा खाना है, तो ये पोहे के पीछे बहुत टाइम से पड़े थे पर यहाँ पर छौंक नहीं लग रही थी, तड़का नहीं लग रहा था, तो इसलिए कुछ बन नहीं पा रहा था।
ठीक है तो ये मूंगफली लेके आए, बोला यार मैं पोहा खाऊंगा, तो कल भी ये बोल रहे थे तो मैंने बोला मूंगफली नहीं है, तो मैं मूंगफली लेके नहीं आ रही थी। क्या हो रहा था, जब मूंगफली रहती है ना तो मैं बहुत मूंगफली खाती हूँ, मतलब मुझे मूंगफली पसंद है, ऐसे ही खाती हूँ, पर हाँ जैसे मूंगफली वाले बैंगन तो मूंगफली गर्म भी होती है तो ज़्यादा मूंगफली भी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है पोहा खा। तो हम लोग बहुत हंस रहे थे, आप लोगों ने जैसे देखा होगा, तो कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप लोगों के बीच में लड़ाई होती है फिर आप लोग हंसते हो, और मैं कुछ ज़्यादा ओवर हंस रही थी, और मैं पता है बहुत हंसमुख इंसान हूँ, मैं आप लोगों को सिंगल देखती हूँ कैमरे पे, तो मैं हंसती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे बात करते करते मैं हाँ 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 करके तो हंसूंगी नहीं, ठीक है ना, कि अपने मन से हंसने लगे तो बहुत अजीब हो जाता है, पर अगर मेरे साथ चार पांच लोग हैं और कुछ हो रहा है तो आई थिंक मैं उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हंसने वाली इंसान हूँ, मतलब मेरे को इतनी हंसी आती है कि मैं उसे कंट्रोल नहीं होता है। पहले क्या होता था, पापा जब एयरफोर्स में थे ना तो दोपहर में ऐसा टाइम था कि हम स्कूल से आते थे, और स्कूल से आने के बाद ना पापा सोते हैं तो मैं और हम लोग सब सोते हैं, मतलब एक टाइम था कि सोना ही होता था उस टाइम पे आपके घर में, कि स्कूल से आए पापा एयरफोर्स से आते थे 2:30 बजे आते थे वो, तो हम लोग शाम तक सोते थे। अब हम बच्चे, हम लोग को नींद नहीं आती थी, अब तक क्या फंसा फंसा के बिना बात के हम लोग ऐसा हंसते थे, बिना बात के हंसते थे। मेरी मम्मी बहुत हंसती हैं, मेरी बहन बहुत हंसती है, मेरी मैं बहुत हंसती हूँ, मतलब हम तीनों अगर बैठे हैं ना तो हम लोग बिना बात के भी हंसते रहते हैं, तो हम लोग बहुत हंसते हैं। पर आज बात थी एक्चुअली में क्या है, मम्मी के ना नए दांत बने हैं, तो जब नए दांत हैं ना जो उनसे उनका चेहरा थोड़ा बदल गया, तो खुद ही उन्होंने बोला कि मेरा चेहरा बदल गया, वो पहले भी हंस रही थी ठीक है जब उन्होंने लगाया, तो फिर हम लोगों ने उनसे बोला कि आप लगा के दिखाओ ना, जब उन्होंने लगाया तो सीरियसली जो चेहरा था वो काफ़ी चेंज लग रहा था, आई थिंक जो दांत हैं वो थोड़े से ऊँचे बन गए हैं, तो मेरे को बहुत हंसी आ रही थी, मुझे बहुत हंसी आई थी एक्चुअली, मुझे ही बहुत हंसी आई थी, मुझे बार बार वही दांत दिखाओ दांत दिखाओ दांत दिखाओ, तो वो दांत दिखा नहीं पा रही, मतलब दांत जो थे ना वो जैसे अगर आप हंस रहे हो तो कोई आपसे बोलेगा वो चीज़ दिखाओ तो हंस मतलब दिखा नहीं पा रही थी, तो हम लोग बहुत हंस रहे थे, तो वो ओवर नहीं हंस रही थी पर हंसी आ रही थी मुझे। तो कई बार आते हैं बस कॉमेंट कि जैसे हमें ताश खेलते हैं या कुछ खेलते हैं तो हंस रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, तो यार हंसी बहुत आती है मुझे, तो कोई भी फेक चीज़ नहीं होती है। मेरे व्लॉग्स जो रहते हैं आप लोग को जो मिल रहा है ना वो कोई स्क्रिप्टेड या कुछ नहीं है, इवन आपने मेरे ब्लॉग्स में ये भी नहीं देखा होगा कि प्रमोशनल वीडियो या मैं आप लोगों को फालतू में कुछ भी नहीं दिखाती हूँ, और जो चीज़ें हैं पतंजलि का मैंने आपको दिखाया तो वो कोर्स मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया, तो पतंजलि वाले ऑब्वियसली पे नहीं करते, आई थिंक हमने किसी ब्लॉगर के उसमें नहीं देखा होगा ठीक है ना, तो सब कुछ जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, आई थिंक प्रमोशन नहीं करती हूँ, और प्रमोशन ना करने के कारण मुझे काफ़ी ज़्यादा होता है, देखिए हर कोई पैसा कमाना चाहता है तो होता है नुकसान होता है ठीक है, कि ये वाला प्रोडक्ट है ठीक है, फिर ये वाली क्रीम है, ये वाला प्रोडक्ट है, तो आपके पास मेल आते हैं ठीक है, फिर क्या होता है मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज मैंने आप लोगों को एक प्रोडक्ट दिखाया ठीक है, आपको मैंने एक क्रीम दिखाई, फिर मैंने कल आपको एक और क्रीम दिखा दी, फिर मैंने 3-4 दिन बाद आपको एक और क्रीम दिखा दी, तो एक ट्रस्ट रहता है एक यूट्यूबर और सब्सक्राइबर के बीच में, एक रिलेशन रहता है, एक फैमिली रहती है, तो मैं फैमिली को चीट करने में विश्वास नहीं रखती हूँ, इसलिए मेरे को तो याद ही नहीं है कि मैंने कब कुछ किया होगा, आई थिंक मेरे को तो सीरियसली नहीं याद है कि मैंने प्रमोशनल वीडियो आखिरी कब करी थी, और मैं आपको अपना मेल खोल के दिखाऊंगी ना तो इतनी सारी वीडियो पड़ी है, अगर कोई बोले यार आ ही नहीं रहा होगा आपके पास, तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, पर मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन के रहते हैं, कि इसे खाने से मिल्क प्रोडक्शन जो है फीड कर रहे हो आप तो हो जाता है, तो मैं उन लोगों से ये बात बोलती हूँ कि यार मैं ना प्रेगनेंट हूँ ना मुझे बेबी है ठीक है, तो मैं इस चीज़ के लिए प्रॉपर इंसान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में ज़्यादा कुछ, जब आपको होगा आपको पता चलेगा कि कितना उतरता है क्या उतरता है, मुझे कुछ नहीं पता है इसके बारे में ठीक है, तो उसके तो काफ़ी अच्छे पैसे मिल रहे थे, बोल रहे थे कि आप बता दीजिए किसी को होगा तो वो कर दे, और मैंने बोला लोग मुझे जज कर सकते हैं कि आप इसकी नॉलेज क्यों दे रहे हो जबकि आपके पास है नहीं ठीक है, ऐसे मेरे पास मैं आपको बताऊँ कोई बॉक्स है यहाँ पे ठीक है, फिर कोई प्लान है, फिर मेरी ICICI बैंक की स्टेटमेंट है, फिर एक कोलैबोरेशन है, फिर एक कोलैबोरेशन है, फिर एक कोलैबोरेशन है, तो बहुत सारे हैं, ये कोई टॉम बॉम पता नहीं कौन है टॉम, कोई गैलेक्सी वुड आर्ट है वो प्रमोशन के लिए है, तो पता है बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो होती हैं, पर मुझे ना लगता है कि इन सब चीज़ों से ट्रस्ट आता है, हाँ प्रोडक्ट अच्छा है तो आप ज़रूर करिए कोई दो राय नहीं है, पर अगर आप भी यूट्यूबर बनने का सोच रहे हैं ठीक है, आप बहुत ऊपर चले जाते हो तो ब्रांड्स खुद कांटेक्ट करते हैं आपसे, तो कांटेक्ट जब आपसे कर रहे हैं ना तो प्लीज़
डोंट चीट योर सब्सक्राइबर, बस ये रखिए, क्योंकि एक अगर और स्पेशली अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो ना, तो ब्लॉगिंग अगर आप प्योर नहीं कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ब्लॉगिंग का मतलब होना होता है प्योर, जो है वो दिखा रहे हो। स्क्रिप्टेड ब्लॉगिंग या प्रमोशन, सीरियसली मेरा बहुत दिमाग खराब होता है इस वजह से, तो मैं वो सब नहीं करती हूँ। तो चलिए अब मैं पोहा बनाती हूँ, वरना मैं ना आप लोगों से घंटों बात कर सकती हूँ, मेरे अंदर बहुत स्टैमिना है बात करने का। मैंने ना तड़का चढ़ा दिया है आलू प्याज डाल के, और मैं पानी का वेट कर रही हूँ। मुझे पोहा वॉश करके भिगोना है, ऐसे थोड़ा मतलब भिगोना नहीं है, वॉश करके रखना है। मोटा पोहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं बैठ जाती हूँ ऐसे ही, ज़्यादा टीवी देख रहे हैं, बहुत हल्ला हो रहा है घर। बैठे बैठे जब बोर होते हैं तो गेम खेल लेना चाहिए, भी कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है इसलिए मैं गेम नहीं दिखा रही हूँ। तो मैं लूडो खेलती हूँ कोई सा भी, या मैं कार्ड्स खेलती हूँ। अभी हम लोग नीचे भी कार्ड्स खेल रहे थे, मुझे कार्ड्स खेलना बहुत पसंद है, स्पेंड हो रहा है अभी, तो कार्ड्स खेलती हूँ, या फिर कुछ या कैंडी क्रश टाइप के बहुत सारे गेम आते हैं वो खेलती हूँ, या फिर टाइम पास बहुत अच्छा रहता है सबके, अभी सब खेलते खाते हैं तो माइंड रिलैक्स रहता है। पता नहीं पानी बहुत टाइम लगा रहा है, आ ही नहीं रहा है। नाना पानी नहीं आ रहा, मेरी पानी इतना टाइम क्यों लगाता है? बोगा 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 ना बोनी, नहीं बोनी क्यों लाती हूँ, बोनी मेरा गेम शुरू हो गया, बोनी इतना प्यारा, पता है आपका गेट खोल क्या है, ये गेट खोल क्या, पता है गेट ऐसे हाथ पे किया है, ये बड़ा ही प्यारा बच्चे, आइए मेरा बच्चे गेम खिलाएंगे आपको, गेम खेले हम लोग। बोलो अभी थोड़ा गंदा सा दिख रहा है क्योंकि इसे नहाना है, तो दवाइयाँ डली हुई है कहीं कहीं, देखो ये वाला गेम है ना, अच्छा लगता है आपको? तो इसमें ना जैसे आप हाई कार्ड्स होते हैं ना, लाइक प्योर सीक्वेंस, इक्के रन यानी सीक्वेंस कलर, इस तरह से जमाना पड़ता है, एंड हाईएस्ट कार्ड पे पॉइंट मिलते हैं। तो तीन पत्ती नहीं है ये, इसे कुछ बोलते हैं, इसे चटाई लिखा है, चटाई है, कुछ चटाई खेल रही हूँ, मैं चटाई खेल रही हूँ, और मैं कौन सा कॉल कौन पे लगाऊंगी मेरे पास समझ नहीं आ रहा। आप फर्स्ट गए, बोलो सोच रहा होगा मैं आया क्यों, मैं तो आप ही फंस गया, मुझे आज ही फंस गया बच्चे, पूछो हाँ पता चल गया क्या करना है। प्याली है प्यारी बच्ची, ये आराम से बैठ रहा है, एक दो घंटे में लोग आराम से ऐसे बैठ सकते हैं। हाँ अब तुम अपनी हरकत दिखाओ कि मेरी बेइज्जती हो गई, बेइज्जती करके चला कि मैं सच में बैठ जाता है, पर यहाँ पे नीचे जमीन पे ना बेड पे बैठ जाता है, जमीन पे नहीं बैठता है। गुड मॉर्निंग, तो कल रात को मैंने पोहा बनाया था, उसके बाद से मीठा पोहा शक्कर डाल के, हाँ, पूरा बताया करो, मीठा पोहा राजा के लिए और मेरा विदाउट शुगर, उसमें बहुत सारी क्यूब जा रही थी शक्कर की, हाँ मेल्ट नहीं हुआ था, तो मैं तो बिना शक्कर का खाती हूँ, ये पोहा खाना पड़ा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा काम करने, और मुझे एक प्रॉब्लम हो गई, मैं कल 3-4 घंटे सोई होंगी, अब मुझे यहाँ पे ईयर लोब जहाँ पे आपकी पियर्सिंग होती है वहाँ पे ना सिस्ट हो गई है, इसको वो कराना पड़ेगा भैया, एक चीज बताऊं, हाँ उसको ड्रेन कराना पड़ेगा, तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा काम देखने, ठीक है मेरे थोड़ा काम भी कराने जाना था, इसलिए मैं आपको थोड़ी रेडी दिख रही होंगी, इयर रिंग नहीं पहन पाई हूँ मैं, क्योंकि एक कान में पहनूंगी नहीं,
कल मैं ना इस करवट पे जैसे ही आ रही थी ना तो तकिया लग रहा था मुझे और तो तब पेन कर रहा था, मेरी बार बार नहीं खुली, मैं 3 घंटे सोई होंगी बहुत मुश्किल से, उसने मेरे को लगाया थोड़ा सा, ऐसा देखना ज़रूरी है। पता आपको मैं ना इतने दिनों से परेशान हो गई हूँ, मेरी ज़िंदगी झंड हो गई है। हर दिन मैं बताऊँ आपको 6 तारीख से और कौन सी तारीख है 20 तारीख तक कंटिन्यूटी में कुछ ना कुछ, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ लगा हुआ है। और तुमने ही बोला था मेरे को कल परसों गैस हो रही थी, जो वो राजा ने उसे आई थी हमने ब्लॉग देखा था, उन्होंने बोला था कि कहीं समझ में नहीं आ रहा, बहुत गंदी नजर लगी आज, अच्छे से पूरे ऊपर से नीचे तक तांत्रिक वांत्रिक को बुला के नजर उतारेंगे। स्केलेटन मैंने बुलवा लिया है अपना, वो पूजा पाठ करेगा नींबू वो डाल के अपना, ऐसे रखते हैं मुंडिया उंडिया रखी रहती, वो सब बुला के तांत्रिक को बुला के इनकी नजर उतरवानी पड़ेगी, बहुत गंदी नजर लगी हुई। क्यों ऐसा कुछ नहीं, बस मैं सो ही नहीं, मेरी आंखें से पता चल रहा है। 4 स्केलेटन बुलाए, ऐसे 4 लटके रहेंगे और उसमें पूजा पाठ होगी धूम धूम ऐसे। और उसने बोला है तांत्रिक ने, अगर ये नजर हुई तो जैसे पूजा खत्म होने वाली होगी जो 4 स्केलेटन लटके होंगे वो डांस करने लगेंगे। वो वैसे हवेली वाला, आओ हवेली, आओ हवेली पे, आओ कभी हवेली पे। हाँ तो चलिए अभी मैं टिंग 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 चलिए क्या करें, डॉक्टर को जितना अवॉइड करी उतना मेरे को लग रहा है कि लगना ही है जिससे। खैर चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू वीडियो, प्रे फॉर मी यार, मैं परेशान हो गई सच में, मैं फ्रस्ट्रेटेड परेशान, सब परेशान आत्मा हो गई। चलिए।